हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक बैटरी के बारे में। ये जो बैटरी है घर में बनाई हुई है, जिसे आप आराम से घर पे बना सकते हो और जला सकते हो। ये एक छोटी सी बैटरी है जो अपने हाथों से बनाई हुई है। और साथ में इसका जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये रेडीमेड तो नहीं था। इसकी जगह आप कोई और बॉक्स भी यूज में ले सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक बैटरी है जिसके अंदर कुछ प्लेटें हैं और साथ में ही और भी प्लेटें हैं जो श्रेणी क्रम में लगी हुई है। अब मैं आपको बताऊँ श्रेणी क्रम होता क्या है। जैसे कि इन प्लेट्स को प्लस माइनस जोड़ते हैं और एक क्रम में लगाते हैं तो यह श्रेणी क्रम हो जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको तांबे की प्लेट देखने को मिलेगी जो यहाँ पर पॉजिटिव सिरे का काम कर रही है, और साथ में एक छोटी सी बैटरी है जो भी मेड यानी बनाई हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ी सरल तरीके से बनाई गई हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा इन बैटरियों को बनाने के लिए, ये है नेगेटिव सिरा और इसका दूसरा वाला तांबे वाला पॉजिटिव सिरा। और यहाँ पे एक बैटरी है जो एक डिब्बे द्वारा बनाई गई है और उसके अंदर जो डाला गया है वो है बैटरी का पानी, जो आपको दुकान पर बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये बोतल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपए में मिल जाएगी। यहाँ पर इस बैटरी में भी ऐसे सेल तैयार किए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको अलग अलग डिब्बों में रखा गया है। और यहाँ पर पूरे 3 सेल तैयार किए गए हैं जो इन 3 डिब्बों में रखे गए हैं। यहाँ पर हम बात करें तो ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है चौकोर में, जिसे हमने बोला था नेगेटिव सिरा, हाँ, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इन प्लेटों की जगह आप जो अपने घर में यूज होने वाले सेल है उन्हें भी ले सकते हैं। उनको हम इस प्रकार से यूज ले सकते हैं कि इनके जो ऊपर का कवर होता है वो जिंक का होता है, तो हम उस प्लेट को निकाल कर यूज ले सकते हैं और बड़े आराम से इस बैटरी को बना सकते हैं। और मैं आपको इस बैटरी को वापस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, तो हम देखते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको वापस इंस्टॉल कर दिया है, जोड़ दिया है और इसके अंदर पानी भी वापस डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्जर द्वारा इसको चार्ज करके दिखाना चाहूँगा। यह कुछ समय लेगी, लगभग 1 से 2 घंटे, और उसके बाद यह बैटरी चार्ज हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यह 2 घंटे बाद मैंने इस बैटरी को 1 मीटर द्वारा टेस्ट किया है। पहले तो मैं आपको इस अपनी जो हाथों से बनाई हुई बैटरी है उसे हम टेस्ट करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक सिरा यहाँ पे लगा दिया और इसका दूसरा सिरा मैं लगाने वाला हूँ, और आप मीटर की रीडिंग पढ़ सकते हो कि यहाँ पर आपको लगभग 1.70 के करीब वोल्टेज दिखाई देगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिए, केवल यह एक बनाई हुई बैटरी का है। और मैं आपको यहाँ पर जो अपनी छोटी वाली बैटरी है जो सेल द्वारा बनाई गई थी उसे भी टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा कि इसमें कितना वोल्टेज है। आप यहाँ पे देखिए, इसमें लगभग 0.90 वोल्टेज है। तो इन दोनों बैटरियों को मैंने अब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर दोनों बैटरियों का वोल्टेज टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों बैटरियों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों का वोल्टेज टेस्ट कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 2.60 के करीब वोल्टेज आ रहा है इसमें। अब मैं यहाँ पर आपको एक LED ग्लो करा के दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक LED ग्लो कर रही है और यह बड़े ही अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह घर में बनाई हुई बैटरी द्वारा
चल रही है और यह घर में यूज होने वाले सामान द्वारा बनाई गई है।